नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई की वेरना के साथ में स्कोडा की रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं। जब आप स्कोडा रैपिड की कीमत सुनेंगे तो आपको एक झटका सा डेफिनेटली लगने वाला है, और जब आप इसकी खूबियाँ जानेंगे तो फिर शायद आप वेरना को लेना ही भूल सकते हैं। दोस्तों रैपिड स्कोडा की इंडिया में सबसे सस्ती बिकने वाली गाड़ी है दोस्तों, जहां से उनके सेगमेंट की शुरुआत होती है। और अपनी कीमत के दम पे स्कोडा की रैपिड सब 4 मीटर सेगमेंट की जो सेडान्स हैं, जैसे कि फोर्ड के एस्पायर, ह्यूंडई की ऑरा, होंडा की अमेज, इन सभी गाड़ियों को मारुति डिज़ायर के साथ साथ चुनौती दे रही है। उसी के अलावा ये गाड़ी अपने सेगमेंट को भी एक कड़ा मुकाबला ऑफर करती है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों के केवल पेट्रोल के टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि रैपिड डीजल में अवेलेबल नहीं है। और इसमें भी हम रैपिड के 1 लीटर पेट्रोल वेरिएंट जो है उसको वेरना के 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि वेरना का 1 लीटर का जो पेट्रोल वेरिएंट है वो केवल 7 स्पीड डीसीटी में आता है। ये वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल नहीं होता है। इस वीडियो में भी हर वीडियो की तरह मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के पॉइंट्स में सेक्शन ख़त्म होते ही आपके साथ में क्लैरिफाई करूंगा, आपको बताऊंगा। और वीडियो का अंत होने से पहले दोनों गाड़ियों का प्राइस क्लैश यानी कि प्राइस गैप जो है वो भी मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से आप एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको अपने लिए कौन सी गाड़ी चुननी है, कौन सी बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए साबित होती है। क्या आपको लगता है कि वेरना आपको रैपिड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? क्या आपको ऐसे लगता है कि दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है वो प्राइस गैप आपको स्कोडा की रैपिड या फिर ह्यूंडई की वेरना दोनों में से कौन सी गाड़ी चुनने के लिए मजबूर करता है? क्या आप ये सोचते हैं कि वेरना रैपिड से कहीं ज़्यादा बेहतर और सुपीरियर कार है, या फिर एक प्रीमियम ब्रांड होने की वजह से स्कोडा की रैपिड ही एक बेहतरीन गाड़ी साबित हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकती है? इस बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी राय का इंतज़ार होता है। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के प्राइस, बजट की और सेगमेंट की। तो जहां तक सेगमेंट की बात है दोस्तों, ये 4 मीटर प्लस का मिड साइज सेडान कार का सेगमेंट है दोस्तों। ये पहले 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता था दोस्तों, लेकिन जब से स्कोडा ने अपनी रैपिड को 7,49,000 रुपीज में स्टार्ट हुआ है, इसकी रेंज थोड़ी नीचे आ गई है। अब ये सेगमेंट 7,49,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 15 लाख रुपीस प्लस तक चला जाता है दोस्तों। इस सेगमेंट में आपको ह्यूंडई की वेरना और स्कोडा की रैपिड के अलावा मारुति की सियाज आ जाती है, फोक्सवैगन की वेंटो आ जाएगी, और होंडा की सिटी जैसी गाड़ियां आपको सेगमेंट में कंपटीशन में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये मालूम ही होगा कि अब बढ़ते एसयूवी की डिमांड को देखकर आपको ह्यूंडई की क्रेटा और किया की सेल्टॉस और कुछ हद तक टाटा की हैरियर और एमजी की हेक्टर भी इन सेडान्स के लिए काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हो चुका है, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ह्यूंडई वेरना हर एक चीज़ में रैपिड से बड़ी है। लेंथ के मामले में 27 mm, विड्थ के मामले में दोस्तों 30 mm, हाइट के मामले में 9 mm और व्हील बेस में 48 mm ज़्यादा बड़ी है। तो पहले ही सेक्शन से वेरना ने एक लीड हासिल कर ली है और यहाँ पर वेरना जीत जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो जहाँ पर वेरना में आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है दोस्तों 6,300 RPM पर,
और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4,500 आरपीएम पर। वहीं जहां पर रैपिड की बात है, इसमें 1 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज नया इंजन आता है जो कि आपको 110 पीएस की पावर जनरेट करके देगा 5,250 आरपीएम पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1,750 से लेकर 4,000 आरपीएम पर। इसमें कोई शक और दो राय तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर इंजन के मामले में रैपिड क्लियरली विनर साबित होती है क्योंकि वेरना का इंजन आपको कम टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि वेरना का जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, अगर वो मैनुअल में अवेलेबल होता और उसे हम रैपिड के 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में कंपेयर कर रहे होते तो दोनों ही गाड़ियों के जो पावर फिगर्स है वो लगभग बराबर हैं। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है दोस्तों, कर्व वेट पर एक नज़र डालेंगे जिसे जानकर हम एक बेसिक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि दोनों में से कौन सी गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के मामले में मजबूत है। तो शुरुआत करेंगे वेरना से। जहां तक वेरना की बात है, उसका वजन है दोस्तों लगभग 1,143 किलोग्राम से लेकर 1,255 किलोग्राम तक और रैपिड का वजन है दोस्तों 1,112 किलोग्राम से लेकर 1,138 किलोग्राम तक। तो अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी वेरना आगे निकल जाती है, बाजी को अपने साथ में ले गई क्योंकि वेरना का वजन रैपिड से लगभग 31 किलोग्राम से लेकर 117 किलोग्राम तक ज़्यादा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगे हाथ तो दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो जहां पर वेरना में आपको अप्रॉक्सीमेटली 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं टर्निंग रेडियस के मामले पर, जहां पर मामा लगभग बराबरी का है दोस्तों। जहां पर वेरना आपको 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर करती है, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर करती है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर वेरना में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है। और हमेशा की तरह दोस्तों जहां तक हम बात कर रहे हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो लगे हाथों हम दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी गौर कर लेते हैं। स्कोडा की रैपिड में आपको मिलेगा 19 kmpl का माइलेज, वहीं Hyundai की जो वेरना है आपको वो 19.1 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। यहाँ पर भी मामला दोस्तों लगभग बराबरी का ही है। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो वेरना में जहाँ पर आपको मिलता है 480 लीटर का बूट स्पेस, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको 460 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द व्हील्स या फिर अलॉयज के बारे में। तो वेरना और रैपिड दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, लेकिन रैपिड में आप जैसे जैसे वेरिएंट चेंज करते हो उस वेरिएंट चेंज के हिसाब से आपको अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन और उसमें थोड़े बहुत अलग अलग चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब तक दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कुछ चीज़ों में यहाँ तक आपको रैपिड बेहतर नज़र आती है और कुछ चीज़ों में वेरना जो है वो बेहतर नज़र आती है, वो बाजी मार ले जाती है। अब तक की वीडियो में आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी जीतेगी, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर अगर बात करें तो एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में कि गाड़ियाँ हमें क्या ऑफर करती हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो दोनों गाड़ियों में दोस्तों आपको LED और प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। एक में LED मिलेंगे, एक में आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। LED DRLs दोनों गाड़ियों में आपको ऑफर की जाती है दोस्तों। फ्रंट फॉग लैंप्स दोनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं और LED टेल लैंप भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, ऑटो हेडलैम्प और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां आपको प्रीमियम ड्यूअल टोन इंटीरियर्स के साथ में आती हैं, लेकिन स्कोडा की रैपिड में मोंटे कार्लो वेरिएंट में आपको इंटीरियर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग ही मिल जाता है। यहाँ पर हम वेरना के साथ में स्कोडा के दो टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, एक जो है वो स्टाइल और दूसरा जो है मोंटे कार्लो। ये चीज़ भी आप थोड़ा गौर करिएगा इस पर भी। दोनों गाड़ियों में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड लेदर रैप गियर नॉब देखने को मिल जाएगा। लेदर सीट अपहोल्स्ट्री आपको दोनों गाड़ियों ऑफर करती हैं। जहाँ पर वेरना में आपको प्योरली लेदर सीट्स मिलते हैं, वहीं रैपिड में आपको लेदर एड सीट्स मिल जाती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दोनों गाड़ियां आपको फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस और रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर या स्टोरेज स्पेस आप कह सकते हैं ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में
आपको 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि AM, FM, USB, ऑक्सिन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, Apple CarPlay और Android Auto जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और मेरी राय है, रैपिड में आपको Apple CarPlay नहीं मिलता है, ये केवल Android के साथ में आता है। फिर भी एक बार अगर आपको कहीं ये चीज़ मिल जाती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। दोनों गाड़ियाँ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियाँ आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपी पावर स्टीयरिंग ऑफर करती हैं दोस्तों। रियर एसी वेंट दोनों गाड़ियाँ ऑफर कर देती हैं। कूल ग्लव बॉक्स दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर के लिए डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मिनिमम 4 एयरबैग्स तो मिल ही जाते हैं। सभी बेसिक वेरिएंट्स आपको मिनिमम 2 एयरबैग मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में जहां पर स्कोडा आपको 4 एयरबैग ऑफर कर रही है, वहीं ह्यूंडई की वेरना आपको 6 एयरबैग के साथ में आ जाती है। उसी के साथ साथ आपको ABS मिल जाता है, रियर व्यू पार्किंग सेंसर्स एंड रियर व्यू पार्किंग कैमरा मिल जाता है आपको। ऑटो डिमिंग IRVM का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये सारे फीचर्स थे जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो दोस्तों आपको यहाँ पर ह्यूंडई की वेरना ऑफर नहीं कर पाएगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि स्कोडा में आपको मिलता है, वो है दोस्तों फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। ये मोंटे कार्लो में आपको मिलेगा, जो स्टाइल वेरिएंट है उसमें ये नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इंफ्रारेड कट एंड डार्क ग्रीन के जो है विंडो ग्लासेस स्कोडा में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में इंफ्रारेड कट आपको फ्रंट एंड रियर विंडस्क्रीन जो है वो भी स्कोडा में मिल जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पर स्कोडा ऑफर कर देगी। उसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील स्कफ प्लेट्स आपको आ जाएंगी, जिस पर रैपिड का लोगो या फिर रैपिड की ब्रांडिंग की हुई है दोस्तों। उसी के अलावा लास्ट फीचर है दोस्तों, आपको रियर स्पॉइलर ऑफर किया जाता है। कुल मिलाकर इतनी ही 5-6 चीज़ें हैं जो आपको रैपिड में मिलती हैं, जो वेरना ऑफर नहीं कर पाती हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको ह्यूंडई की वेरना ऑफर करेगी, लेकिन वो आपको स्कोडा की रैपिड में देखने को नहीं मिलते। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से, जो दो है दोस्तों कॉर्नरिंग लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ह्यूंडई का ब्लू लिंक कनेक्टिविटी ऐप मिलेगा, जो आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और फीचर्स ऑफर करेगा। वॉइस कमांड एंड वॉइस रिकग्निशन के फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ह्यूंडई का आई ब्लू ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि ऑटो रिमोट एप्लीकेशन है म्यूजिक के लिए, वॉल्यूम के लिए। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको ह्यूंडई की वेरना में मिल जाते हैं। स्मार्ट ट्रंक के साथ साथ ह्यूंडई की वेरना आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर कर देती है। पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी आपको वेरना में मिलता है। दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं ढूंढ पाया कि स्कोडा के रैपिड में आपको पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप मिलता है या नहीं। अगर कहीं से आपको ये पता चलता है तो मेरे लिए प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वायरलेस फोन चार्जर आपको ह्यूंडई की वेरना में मिल जाएगा। ड्राइवर का रियर व्यू मॉनिटर आपको मिल जाता है। 6 एयरबैग जैसी सेफ्टी आपको ह्यूंडई की वेरना ऑफर करती है। उसके अलावा वेरना में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाती है, हिल स्टार्ट असिस्ट आपको मिल जाता है। फ्रंट के जो फॉग लैंप्स आपको वेरना ऑफर करती है दोस्तों, वो फॉग लैंप्स आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। साथ ही साथ IRVM के साथ में आपको टेलीमेटिक स्विचेस भी आते हैं, जैसे कि SOS का फीचर्स हो गया, ब्लू लिंक ऐप कनेक्टिविटी का फीचर हो गया, रोड साइड असिस्टेंस हो गया, ये आपको बटन्स भी उस पर मिल जाते हैं। उसी के अलावा लास्ट फीचर है जो आपको वेरना ऑफर करती है दोस्तों, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो कुल मिलाकर ये कुछ 17-18 फीचर्स हैं दोस्तों जो मेरे हिसाब से वेरना आपको ऑफर कर पाती है, लेकिन ये फीचर्स आपको स्कोडा की रैपिड में नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की वारंटी ऑफर के बारे में। तो वेरना में आपको मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, या फिर 4 साल 60,000 किलोमीटर, या फिर 5 साल 50,000 किलोमीटर तक की 3 अलग अलग वारंटी ऑफर। साथ में आपको 3 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर का रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाता है। वहीं अगर हम स्कोडा की रैपिड की बात करें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड 4 साल का वारंटी ऑफर मिलता है हर एक गाड़ी के साथ में, हर एक वेरिएंट के साथ में, जिसमें आपको मिलेगा 4 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी। साथ में आपको 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर का रोड साइड असिस्टेंस और साथ में 4 साल में 60,000 किलोमीटर तक 4 लेबर फ्री सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जो कि 15,000 या फिर वंस इन अ ईयर के इंटरवल में जो भी पहले आएगा उस हिसाब से आपको ये मिल जाता है। तो अगर दोनों वारंटी ऑफर्स को मैं कंपेयर करूं तो स्कोडा का जो ऑफर है वारंटी का, वो स्लाइटली थोड़ा बेटर मुझे यहाँ पर लगता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों।
अब थोड़ा सा दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि मारुति के बाद में इंडिया में ह्युंडई इकलौती ऐसी कंपनी है जो बहुत ही गहरे तगड़े तरीके से अपने पांव यहां पर जमा पाई है। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है, मारुति का मेंटेनेंस सबसे सस्ता माना जाता है, लेकिन मारुति के बाद में अगर सबसे पहले किसी कंपनी का नाम आता है तो वो ह्युंडई का नाम ही सबसे पहले आता है दोस्तों। वहीं स्कोडा की अगर हम बात करें तो सबको ये मालूम है दोस्तों कि स्कोडा का मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी महंगा होता है और सर्विस सेंटर्स भी उनके कम हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। बाकी जो कंपनियां हैं वो इनिशियल स्टेज पर आपको मैक्सिमम टाइम 5,000 से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर्स के इंटरवल पर आपकी गाड़ी को सर्विस के लिए बुलाती हैं। वही स्कोडा आपको साल में एक बार या फिर 15,000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस के लिए बुलाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि जहां बाकी कंपनीज की कार एक साल में दो बार सर्विस करनी पड़ती है, वही स्कोडा की केवल एक बार सर्विस करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको थोड़ी पैसे की बचत हो जाती है। समझ में नहीं आया कैसे बचत होती है, चलो थोड़ा प्राइस कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आप कैसे पैसों की बचत कर पाते हैं और आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जो प्राइस मैं यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों, ये केवल फॉर एग्जांपल यानी कि उदाहरण के तौर पर है। समझो किसी एक्स कंपनी की गाड़ी है और इनका सर्विस इंटरवल अगर 10,000 किलोमीटर का है तो लगभग आपको सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये तक अगर आती है तो साल में आपको दो बार ये गाड़ी सर्विस करवानी पड़ सकती है, जिसका लगभग कॉस्ट आपका हो जाता है दोस्तों 10,000 रुपये तक। वहीं फॉर एग्जांपल स्कोडा की सर्विस कॉस्ट अगर 7,500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये है, जो कि बाकी कंपनियों से ज़्यादा है, लेकिन साल में अगर आप एक ही बार गाड़ी सर्विस करवाओगे तो आप लगभग 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये सेव कर सकते हो। और इसी चीज़ को अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो लॉन्ग टर्म की आपको कॉस्ट पता चलेगी कि कौन ज़्यादा सस्ते में है और कौन ज़्यादा महंगे में है। जैसे कि अगर दो साल में किसी और कंपनी की गाड़ी आपको चार बार सर्विस करवानी पड़े तो 5,000 रुपये के हिसाब से आप 20,000 रुपये खर्च करते हो। वही साल में एक बार के हिसाब से स्कोडा की गाड़ी दो बार सर्विस होगी, जिसमें आपको 15,000 से 16,000 रुपये लगेंगे, तो दो साल में आप लगभग 4,000 से 5,000 रुपये बचा सकते हो दोस्तों। उसी के साथ साथ स्कोडा में आपको 4 साल का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर भी मिलता है और दोनों गाड़ियों में एक लंबा चौड़ा काफ़ी अच्छा प्राइस गैप भी है। उस प्राइस गैप को आप दोहरे तरीके से यानी कि डबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो आप अगर चाहो तो एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर ले सकते हो, या फिर उसी पैसे से आप स्कोडा का मेंटेनेंस जो है वो मैनेज कर सकते हो। चलिए आगे मुड़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है दोस्तों दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप। उससे पहले एक पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पर या फिर मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस में कोट करता हूं वो हमेशा एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए होते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए रैपिड से बात करते हैं प्राइस की। रैपिड का जो पेट्रोल टॉप वेरियंट है जो है स्टाइल, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 11,49,000 रुपये तक मिल जाती है, जो कि वेरना से लगभग 1,10,900 रुपये तक सस्ती आती है। वहीं रैपिड का जो मॉन्टे कार्लो वेरिएंट है, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको 11,79,000 यानी कि 11,79,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि वेरना के वेरिएंट से लगभग 80,900 रुपीज़ सस्ता आता है। वहीं वेरना के अगर पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट की हम बात करें 1.5 लीटर में, तो जो कि है SX ऑप्शनल, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मैनुअल में मेटालिक ये वेरिएंट आपको 12,59,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो कि रैपिड से लगभग 80,900 रुपये से शुरू होकर 1,10,900 रुपये तक महंगा आता है। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है, इस कॉस्ट में वेरना लगभग हमें 18 ऐसे टॉप नॉट सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट यहाँ पर वो जस्टिफाई हो जाती है। वो सारे फीचर्स अगर मैं अभी आपको दोबारा से यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप सभी की जानकारी के लिए मैं उनको यहाँ पर स्क्रीन पर दे देता हूँ, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप अगर उसे देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहीं इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक अलग एंगल से देखें तो रैपिड में ये फीचर्स नहीं मिलते, इसकी वजह से रैपिड की कीमत भी कम है। तो अब ये कंज्यूमर को सोचना है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर है दोस्तों। अब एक नज़र डालते हैं कि दोनों गाड़ियों का कॉम्पिटिशन क्या है मार्केट में, ये किन गाड़ियों से कम्पीट करती हैं। तो शुरुआत करेंगे ह्युंडई वेरना
अगर प्राइस मैं कहूँ थोड़ा सा 60,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक थोड़ा सा सस्ता हो जाता, कम हो सकता है, तो इस गाड़ी का मार्केट में कोई तोड़ नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वेरना का जो 1 लीटर पेट्रोल का टॉप एंड वेरियंट है उसकी कीमत ह्यूंडई ने रखी है लगभग 14,000 रुपये तक। ऑफकोर्स ये DCDA के साथ ही मिलता है, लेकिन उस 14,00,000 रुपये की प्राइस पॉइंट में आपको MG हेक्टर का जो पेट्रोल बेस वेरिएंट है या फिर उसी का हाइब्रिड वेरिएंट, यानी कि सुपर वेरिएंट या फिर सुपर हाइब्रिड, दोनों आपको रिस्पेक्टिवली 13,54,000 रुपये और 14,14,000 रुपये तक के मिल जाते हैं, जो इस गाड़ी को एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। और मुझे आपको अलग से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज की रेट में SUV का जो सेगमेंट है उसमें कितनी डिमांड है और वो सेडान से कितनी ज़्यादा बिक रही है, ये आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ कमियां यानी कि ड्रॉबैक के बारे में। ऑफकोर्स कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो जहां पर हमने पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं, गाड़ियों के फीचर्स देखे हैं, अच्छाइयां देखी हैं, तो साथ में हमारा कर्तव्य बनता है कि कंज्यूमर को, व्यूअर्स को हम इसके ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां भी ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला है, एक नज़र डालेंगे हम प्राइस पॉइंट की वजह से, SUV और ये जो सेडान है दोनों की सेगमेंट में काफ़ी कंपटीशन है, और आज की डेट में SUV का जो सेगमेंट है उसमें डिमांड बढ़ रही है, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गई है और वो हॉट सेलिंग सेगमेंट बन चुका है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं यानी कि सेडान की जो कार्स हैं वो अब कम बिकती हैं और SUV थोड़ा ज़्यादा बिकती हैं। तो ह्यूंडई की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, कुछ हद तक टाटा की हैरियर और MG की हेक्टर, इन गाड़ियों को काफ़ी अच्छा कंपटीशन और अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी सेल कम हो जाती है, ये एक ड्रॉबैक है दोस्तों। उसके अलावा जो सेडान होती है उनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, आप उसको सिटी में या हाईवे पर तो अच्छे तरीके से चला लेते हैं, लेकिन किसी हिली सेक्शन में, ख़राब सड़कों पर और ऑफ रोडिंग अगर आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ती है तो वहाँ पर SUV ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। एक बड़ी गाड़ी बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स के साथ में आपको मिल जाती है। अगली कमी हम पहले वेरना से शुरू करते हैं दोस्तों। तो वेरना में आपको जो 1 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिलता है वो केवल आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलता है और 7-speed DCT के साथ में ही आता है, ये आपको मैनुअल में या फिर किसी और वेरिएंट में अवेलेबल नहीं किया गया है, ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है। उसके अलावा मेरे हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेरना मुझे ओवर प्राइस लगती है, इसका प्राइस 60,000 रुपीज़ से लेकर 1,00,000 रुपये तक कम होना चाहिए। उसके अलावा अगर वेरना में आप बैठकर स्पेस को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली रियर सीट पर आपको जो स्पेस है उसकी कमी यहाँ पर महसूस होगी। अब बात करते हैं रैपिड की कुछ कमियों के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो कमी है दोस्तों वो है इसका डिज़ाइन। जब से स्कोडा की रैपिड लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक ये डिज़ाइन वहीं का वहीं सेम है, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है। हालांकि ये बहुत ही मैच्योर और एक क्लासी और प्रीमियम डिज़ाइन है, इसके लाइन और कट्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, लेकिन फिर भी डिज़ाइन में टाइम के हिसाब से, अप मार्केट के हिसाब से स्कोडा को थोड़े चेंजेस करने चाहिए थे। उसके बाद में अगला जो ड्रॉबैक है स्कोडा का, वो जो कोडा का डीलर और सर्विस सेंटर का नेटवर्क है वो काफ़ी लिमिटेड और काफ़ी कम है, इसकी वजह से दूर दराज के गांव में भी अगर कुछ लोग इसकी अच्छाइयों की वजह से इसे ख़रीदना चाहते हैं तो अगर नज़दीकी शोरूम 200-300 किलोमीटर तक है, सर्विस सेंटर 200-300 किलोमीटर तक है, तो वो इसे ख़रीद नहीं पाते हैं और बाकी कंपनियों की ओर मुड़ जाते हैं। उसके अलावा अगली कमी है दोस्तों रैपिड में कि अब ये डीजल में नहीं आती है, जबकि ह्यूंडई की वेरना सभी गाड़ियों में आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल के ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाती है। अगली कमी है दोस्तों कि इस गाड़ी में, स्कोडा की रैपिड में, प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी कम फीचर्स मिल जाते हैं। अब आगे मुड़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं हम ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ तक सभी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में ह्यूंडई की वेरना एक क्लियर विनर साबित हो जाती है, जो कि हमें बेहतर स्टाइलिंग एंड अपडेटेड लुक्स, मेनी सेगमेंट फर्स्ट इन फीचर्स, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल इन एवरी इंजन ऑप्शन, बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर सेफ्टी, लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन अप मार्केट एंड कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफर कर पाती है, जो हमें रैपिड में देखने को नहीं मिलते, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए वो लगभग 80,900 रुपये से लेकर 110,900 रुपये तक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चार्ज कर रहे हैं। वहीं हम इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रैपिड की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग है। रैपिड हमें प्रीमियम
क्लासी और मच्योर स्टाइलिंग लुक के साथ में आती है, बेहतरीन फिट एंड फिनिश हमें ऑफर करती है, बेटर इंजन पावर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस ऑफर किया जाता है, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट और बेटर 4 ईयर का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर ये हमें ऑफर करती है। जैसे कि मैंने अभी अभी आप सभी को बताया है दोस्तों कि अब ये सभी चीज़ें जानने के बाद में कंज्यूमर या व्यूअर्स को यानी कि आपको सोचना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको दोनों में से कोई भी गाड़ी आप अपने लिए चुन सकते हैं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो अपने लिए मैं डेफिनेटली वेरना लेना पसंद करूँगा। येस, इसमें कोई शक नहीं है कि वेरना की प्राइस बहुत ही ज़्यादा और ये ओवर प्राइस है, उसी के बावजूद भी मैंने वेरना को चुना है क्योंकि इंडियन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इसमें हमेशा लोगों को कम प्राइस में, सस्ती प्राइस में अच्छी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन मेरी इस चॉइस का पूरा कंप्लीट क्रेडिट जो है वो जाता है ह्यूंडई के लो मेंटेनेंस एज वेल एज इसकी बेटर रीसेल वैल्यू को जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग एंगल भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप वेरना की बजाय स्कोडा की रैपिड लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। उस पर आप दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है उस प्राइस गैप का फ़ायदा उठाकर स्कोडा की रैपिड ले सकते हैं। कम पैसे में आपको एक प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार मिल जाएगी और जो पैसा आपने बचाया है दोनों गाड़ियों की प्राइस में वही पैसा आप स्कोडा की मेंटेनेंस पर खर्च कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं और अपनी गाड़ी को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो अब ये आपको तय करना है दोस्तों कि आपको वेरना लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की रैपिड। आपने क्या चुना दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए इसे ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि आज की इस वीडियो में जो भी घमासान हुआ उसमें दोनों गाड़ियों में से आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी जीत पाई है? मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार होता है, तो इस बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमेशा की तरह दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।